सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, फसलानसर अहमदनगर का रहने वाला हूँ और मेरा बच्चा MS ग्रेटिव स्कूल मल्लापली ब्रांच में पढ़ता है। और आज जुम्मे का दिन है, PT पीरियड चल रहा था और मेरे बच्चे के साथ हादसा हो गया, जबकि सैर सामने मौजूद है, फिर भी जो है सो बच्चे की पैर की हड्डी भी टूट गई। और जो है ना, वो लोग कोई जुम्मे स्कूल वाले बोल रहे कि बच्चे को थोड़ा सा मार लगा बोल के मेरे को खाली फ़ोन कर दिए। फिर हमारे वालिद साहब जो है ना बच्चों को पिकअप करने के लिए जाते और वहाँ जाने के बाद देखे तो बच्चे का पूरा पैर टूट के लटक रहा। और मैं स्कूल वालों के से मैं पहुँचा स्कूल में, मैं पहुँचने के बाद देखा तो खाली दवाखाने को लेके जाना है बल्कि 2 घंटे मेरे को फिरा है। ना कोई दवाखाने में गाड़ी है, ना किसी के पास कोई ऐसा साधन है कि इमीडिएट अगर बच्चों को कुछ PT पीरियड के दौर में कुछ हो रहा है या PT के उसमें कुछ हो रहा है तो ये लोग जो है ना प्रिकॉशन दे सके, बच्चों को ट्रीटमेंट करा सके, ऐसा कुछ भी इन लोगों के पास कोई सामान ही नहीं है। बच्चों को ले कंप्लेंट मैंने दिया, मेरी तरफ अभी स्कूल वाले उनकी तरफ से ये PS हबीबनगर नाला PS में ये कंप्लेंट लिखा दिए कि बच्चे के पेरेंट्स आके तोड़ फोड़ कर रहे बोल के। और मेरे को इस बात का भी ये सबूत होना कि मैं कौन सी चीज़ तोड़ा कौन सी चीज़ फोड़ा स्कूल में घुस के, कोई पूरे CCTV कैमरे है सब है उसमें पूरा आता। मैं कितनी देर में दीवानों के जैसा मेरे बच्चे को मैं खाने पर उठा लेके फिरते रहा 2 घंटे तक। क्या बोल रहे क्या स्कूल वाले? स्कूल वाले ये बोल रहे कि हम आपसे हमदर्दी करते हैं, हम सोप रखते हैं, मगर हम ये केस में जबान नहीं देते। और मैं प्रिंसिपल को फोन करा, प्रिंसिपल की तरफ क्या खेलते फुटबॉल या PT पीरियड था? PT पीरियड था, PT सैर भी मौजूद थे। बच्चा गिरा कहाँ थे? बच्चा गिरा नहीं, बच्चे को जो है ना रनिंग करा रहे थे, नहीं मालूम बच्चे को क्या नहीं। वो CCTV कैमरे फोटोज में पूरा है, वो फोटोज देखेंगे वो तो पूरा मालूम हो जाएगा। मेरे को भी सच्चाई वो लोग नहीं बोल रहे, जो बच्चा ढकला, जो बच्चे जो ढकल के मेरे बच्चे के ऊपर बैठ गए, वो बच्चा मेरा बच्चा बयान दे रहा कि मेरे को एक बच्चा भी ढकला और मेरे पैर पे गिर गया पापा बोल के भी। लड़ाई झगड़ा करे सर का बच्चे के ऊपर, ये कतर करे बस बस ऐसा केस बना रहे। तो आपको इनको मैसेज क्या देना है? मेरे को मैसेज ये देने का है कि मेरे बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट का इलाज मेडिकल जो भी है पूरा स्कूल देना, क्यों बोलते स्कूल के अंडर हुआ और स्कूल के टाइम में हुआ और स्कूल वालों की जिम्मेदारी है ये पूरी। प्रिंसिपल आप पुलिस स्टेशन गए थे हबीबनगर, तो आपने क्या बोले? पुलिस वाले ये बोले कि भाई हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर जो गलती है मैनेजमेंट स्कूल ख़त्म होने के बाद हुआ क्या है केस बोलते। मैं बोला स्कूल ख़त्म होने के बाद नहीं हुआ, स्कूल चलने के दौरान में हुआ। आपको कॉल आने के टाइम पे लोग क्या बोले? बच्चा गिर गया बोले। खाली बच्चा गिर गया, माँ चलने नहीं आ रहा, बच्चे को मार लग गया, आप आइए बोल के मेरे को फोन करके बुला लिया। वही तकलीफ में बच्चे को वैसी बैठा हुआ है मेरा अभी बच्चा, एडमिट कराया बच्चे को। अभी मैं टोली चौकी एपिल हॉस्पिटल को लेके आया, मेरे हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के लिए लेके गए बच्चे को, ऑपरेशन मस्ट है बोले डॉक्टर। और जो है ना अब इसके बाद पहले मैं ऑपरेशन कराऊंगा मेरे बच्चे की जो है ना सेहत, और बच्चे का जो है सो पहले ट्रीटमेंट शुरू कराऊंगा, उसके बाद फिर हम जो भी है करना है कैसा करना है कार्रवाई हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। ठीक, अगर मैनेजमेंट मेरे को पूरा मेडिकल दे रहा है तो मैं जो है ना बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल अगर दे रहा तो आप जैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को चाहिए ये कि बच्चे सैर के सामने लड़ ले रहे, सैर जबकि मौजूद है, PT सैर मौजूद है तो बच्चे कैसा लड़ते। बच्चे जो है ना आपकी जिम्मेदारी है, आप जब बच्चों को PT नहीं करा सकते, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप बच्चों को PT पीरियड मत लियो। कैसा ले सकते हैं आप? छोटे छोटे बच्चों को रख के आप जंप लॉन्ग जंप हाई जंप कैसा करा सकते हैं आप? आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्कूल के अंदर हो रही थी ये प्रैक्टिस PT की या बाहर? स्कूल के अंदर नहीं, अंदर स्कूल के अंदर टाइल्स बिछे हुए है फ्लोरिंग के ऊपर हो रही थी स्कूल के अंदर, जबकि स्कूल को ग्राउंड अवेलेबल है, वो लोग ग्राउंड में नहीं करा रहे लेके जाके। तो आप लोग जाने के बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान खादरी है और मैं आम आदमी पार्टी कारवां कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ। हमारे शकील साहब जो है जैसे ही इतला दी है कि उनके बच्चे का जो है एक स्कूल के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, MS ग्रेटिवी स्कूल मल्लेपल्ली के अंदर हुआ। जैसे ही इतला मिली तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल को आया था। यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, बच्चे को जब मालूमात करा, बच्चे के पास गया तो बच्चे की हड्डी टूटी हुई है, और बताया गया कि स्कूल में कि बच्चे का थोड़ा सा जो है फ्रैक्चर हुआ, नॉर्मल सा पैर मोच है और कुछ नहीं।
लेकिन साहब एक बजे ये हादसा हुआ, 3:30 बजे तक स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि खानगी स्कूल जो है उनकी कितनी लापरवाही। और मुझे समझ में नहीं आता कि डिप्टी ईओ, डीओ, इनके पास हज़ारों हम लोग ने कंप्लेन दिया था इस बारे में कि खानगी स्कूलों के जो है ना जो इंडोर लोग गेम खिला रहे हैं ये हटाकर बाहर जो है इनको ग्राउंड में खिलाना चाहिए और विदाउट ग्राउंड के इनको परमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन ये लोग बड़े बड़े पॉलिटिक्स से हाथ मिलाकर या पैसे खिलाकर जो है अपना काम करा लेते हैं, छोटी छोटी जगहों पर अपने अपने स्कूल बना ले रहे हैं और मोटी मोटी रकम ले रहे हैं। और इन ऐसे बच्चों का जो हादसे हो रहे उसके ऊपर इनका कोई रद्दमल नहीं है। उल्टा जब ये लोग पेरेंट्स जब बात करने गए, मुझे बताया गया कि जब लोग पेरेंट्स बात करने गए तो इनके ऊपर उल्टा ब्लेम करके ये लोग रॉडी है, मारने आ रहे, अटैक करने आ रहे। अरे भाई, जब उनका खुद का बच्चा हादसे में ये है, ये लोग बात करने चाहिए क्या? रॉडीजम करने चाहिए? हद हो गई। ये डिप्टी ओ से और मैं डी ओ से डिमांड ये करता हूँ कि जितने खानगी हॉस्पिटल स्कूल्स हैं और MS के जितने भी ब्रांचेस हैं इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और जब इनके पास सेपरेट इनके पास ग्राउंड नहीं है तो ऐसे स्कूलों को रद्द करना चाहिए, बजाय इसके ये लोग तारीफ की बात करते हैं, नहीं कि स्कूल वालों की गलती नहीं है, स्कूल वाले फलां कर रहे हैं, धमका कर रहे हैं, अला कर रहे हैं। तो हम आम आदमी पार्टी शकील साहब के साथ पूरा साथ है और हम चाहते हैं कि भाई ये स्कूल बंद हो और सारा का सारा ट्रीटमेंट बच्चे का स्कूल मैनेजमेंट उठाएँ। शुक्रिया, जजाक अल्लाह।